देवों के देव महादेव जो स्वयंभू इंद्रमनेश्वर महादेव की ये धरती बिहार का मिनी देवघर कहलाता है और इस धरती पर भारत के गृह मंत्री जी का आगमन और उनके आने के साथ साथ मौसम का बारिश हमारे किसानों के लिए ये धनहर क्षेत्र है। सभी किसान के मन के अंदर जो खुशी और प्रसन्नता है कहीं न कहीं शुभ संकेत है और बिहार के अंदर इस पावन धरती से एक संदेश जाएगा परिवर्तन का। 33 साल के नकारात्मक मानसिकता से मुक्ति का ये मुक्ति धाम पर एक नया संदेश और नया वातावरण बनेगा। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से विपक्ष आपस में ही आरोप प्रत्यारोप, क्या लग रहा है सर? देखिए, ये ठगबंधनों की जमात है, एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री का सपना जगाकर घुमा रहा था, दूसरा मुख्यमंत्री का सपना देख रहा था। अब उस व्यक्ति जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनको कन्वेनर बनाकर जल्दी से कुर्सी खाली कराने का हिसाब किताब बैठाया जा रहा है और वो इस बात को जान रहे हैं कि कन्वेनर बनने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन मेरा ये कुर्सी छीनने में लगा है तो मन नीयत के अंदर खोट है, इसलिए इनकी नीति भी असफल होगी और इनका जो आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं ये ठगबंधनों की एकता है, ये सफल नहीं होगा। इनको 2023-24 के चुनाव के पहले ही कुर्सी से उतार देगा, इच्छा से उतरें या अनिच्छा से उतरें। सर 29 को सर पूरा कार्यक्रम क्या है, कहा ये जा रहा है कि कार्यकर्ता के घर भी जाएंगे, ये भी कोई कार्यक्रम है? आज मेन कार्यक्रम तो बहुत सारा था लेकिन मौसम को देखते हुए कार्यक्रम में संशोधन, मंदिर में पूजा होगा और सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद बैठक होगी। आगे प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, हमारे भारत के गृह राज्य मंत्री जी भी परसों आए थे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश के प्रवक्ता, कई लोग भी आ रहे हैं, कई लीडर देश और प्रदेश के सब लोग आ रहे हैं। देखिए, लखीसराय की धरती के लिए बड़ा ही ये गौरवान्वित करने का क्षण होगा कि पहली बार देश के गृह मंत्री इस जिले के अंदर पधार रहे हैं। ये श्री बाबू का धरती रहा है, जो श्री बाबू बिहार के निर्माता, बिहार केसरी के रूप में पूरे बिहार को इंडस्ट्रियल वातावरण बनाए थे, रोजगार के अवसर पैदा किए थे, किसानों के लिए नहर पैदा किए थे। ये 33 साल में बड़े भाई छोटे भाई लूटने के अलावे कोई ऐसा काम नहीं किए हैं जिससे कि बिहार गौरवान्वित हो, और आज श्री बाबू के धरती पर गृह मंत्री जी का आगमन सारे श्री बाबू के धरती के क्षेत्र के, चाहे लखीसराय हो या लखीसराय विधानसभा के अगल बगल के शेखपुरा, सिकंदरा, सुजगढ़ा, जमुई, तमाम मटिहानी, तमाम विधानसभा के अगल बगल के लोग आ रहे हैं उत्साहित, और हम आग्रह अपील भी करेंगे कि इस ऐतिहासिक क्षण का आप गवाह बने, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण बिहार के अंदर एक नए बदलाव का शुभारंभ का शंखनाद होगा।